फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि रिटायरमेंट में जो है हमें कैलकुलेशन ऑफ जो है कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और साथ ही साथ गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम यही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है आपका, गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला है, सैक्रिफाइसिंग का आपका फार्मूला क्या था जब आप एडमिशन में पढ़े थे, ओल्ड माइनस न्यू, जस्ट इसी का अपोजिट है यहाँ पे। ऐसे बहुत कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, जो एडमिशन में आप सीख रखे लगभग लगभग वही चीजें हैं। तो गेनिंग रेशियो जो कंट्रोल फार्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखिए, नीचे दे रखा है ए बी एन सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शनेट 4/7 2/7 एंड 1/7। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ बी रिटायर। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर को आप हटा दीजिए। जैसे ओल्ड रेशियो क्या था आपका 4/7 2/7 निकालना क्या है, ये तो था आपका न्यू रेशियो। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम देखेंगे। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला था आपका ऊपर लिखा हुआ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो जो पार्टनर्स बच गए वही गेन करेंगे, तो कौन कौन बचा, ए एंड सी। तो ए का न्यू रेशियो क्या निकाले हम 4/5 और सी का न्यू रेशियो क्या निकाले हम 1/5। और ओल्ड क्या था आपका, ओल्ड की बात करें तो ए का ओल्ड था 4/7। कैलकुलेट कर लें, एलसीएम यहां पे लेंगे 7/5 होगा, 8/35 इसे माइनस करेंगे 1/7 4:1। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, गेनिंग रेशियो निकल गया।